नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं आपके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वीडियो फ्रेंड्स लाता रहता हूँ। तो चलिए, मैं आज एक वीडियो बहुत अच्छी वीडियो एक लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो मैं आज एक UMT का अपडेट देना चाहूँगा, और अपडेट है भी, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है। तो बेसिक हम अपने स्टूडेंट और अपने सब्सक्राइबर के लिए है। तो जिन्हें पता है, UMT का MMC टूल का अपडेट है, 0.3 आ चुका है वर्जन, इसका वर्जन 3 आ चुका है, तो उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके देने वाला हूँ, बट आज एक अपडेट दे रहा हूँ। बट नेक्स्ट जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगा इस पर फ्रेंड्स, और ये प्रैक्टिकल वीडियो बहुत जल्द आएगा। मैं आपको बहुत जल्द का मतलब एक दो दिन के बाद ये वीडियो मेरा आ जाएगा, प्रैक्टिकल वीडियो। तो इस वीडियो को आप पहले अपडेट समझ लें, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो अनलॉक करके उसमें दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, बिना किसी UFI, बिना किसी इजीज अटैक के माध्यम से भी आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इंट्रो कराता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक अडॉप्टर है, ZS ISP अडॉप्टर। तो ये फ्रेंड्स यूनिवर्सल है, ये आप किसी मेरिकल में यूज़ कर लीजिए, UMT में यूज़ कर लीजिए, आप किसी भी टूल में आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही 100% वर्क है। जो कि मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो दो दिन के बाद देने वाला हूँ। अभी मैं इसका डेमो एक कनेक्ट करूँगा फ़ोन को, और आपको फिर भी मैं दिखाऊँगा कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कनेक्ट हो गया तो मैं आपको दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा, अगर नहीं होता है तो मैं आपको दो दिन के बाद इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूँ। तो अभी मैं इसका अपडेट कर दूँ आपको फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये ZS ISP आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया है ये आपको बहुत ही का अच्छे रेट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मैं आपके इसके बारे में अपडेट करने वाला हूँ आज आपको, और इससे मैं कनेक्ट करूँगा आपको UMT MMC टूल से। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जिन भाइयों को पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनके पास CZ ATK और UFI नहीं है। तो आप इससे अनलॉकिंग और इसकी प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं, आपको मैं सारी डिटेल इसमें देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको इंट्रो दिखाई दिया है, ZS ISP हमने आपको दिखाया हुआ है जो कि यूनिवर्सल है, उसको आप UMT से भी यूज़ कर सकते हैं, मेरिकल से भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो भी सोर्सेज होंगे ऑनलाइन टूल जो भी चलता होगा, UFI और ZTAC में सपोर्ट नहीं करता है, या फिर वो सपोर्ट अभी नहीं आया क्योंकि UFI और ZTAC का ऑलरेडी बॉक्सेस रहते हैं, तो वो उन पर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो भी ऑनलाइन जैसे EMT टूल होता है, मेरिकल हो गया, मेरिकल MMC टूल, UMT MMC टूल, ये सारे टूलों पर ये सपोर्ट करेगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपडेट देना होगा कि अगर आपने हमारे चैनल को स्मार्ट टेलीकॉम को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे मैं नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिन को पता है यहाँ पे तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जो नए हैं उनको अभी इसके बारे में, अपडेट के बारे में नहीं पता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो मैं आज UMT के MMC टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जिनको पता है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, कोई नया नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने स्टूडेंट्स के लिए खास ये वीडियो बनाता हूँ जिससे कि यहाँ पे पता चल जाए। तो मैं एक फ़ोन कनेक्ट कर रहा था फ्रेंड्स, वो फ़ोन क्या एक्चुअल में डेड है, वो फ़ोन मेरे पास जो फ़ोन है अभी, फ़ोन मेरे पास फिलहाल नहीं है। मैं आपको केवल इसके बारे में इंट्रो दे रहा हूँ, इसके बारे में फुल डिटेल कर रहा हूँ। मैं दो दिन के बाद आपको एक परफेक्ट इस पर प्रैक्टिकल वीडियो देने वाला हूँ, जो कि आपको प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा दो दिन के बाद। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो प्रैक्टिकल वीडियो के साथ होगा, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो चलिए देख सकते हैं हमारा इंटरफेस, UMT का MMC टूल वर्जन 3, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, ये हो चुका है और ये आया भी है। ये अभी काफ़ी टाइम का अपडेट तो नहीं है, ये रिसेंटली अपडेट आया है। पहले वर्जन 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आ गया, उसमें सारी चीज़ें अपडेट हुए हैं। आप यहाँ से ISP करके आप यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप फ़ोन को अडाप्टर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट का बटन आ जाएगा, कनेक्ट का बटन आने से आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा मतलब ISP से। और उसके बाद फ्रेंड्स, पहला ही आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन, आप यहाँ पे रीड राइट कर सकते हैं। रीड राइट का मतलब होता है डंप, जो आपको MMC में मोस्ट होता है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे डंप को रीड करना होता है, जिससे कि आपका एक बैकअप मिल जाता है, उस फ़ोन का बैकअप आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको रीड डंप करेंगे, आपका फ़ोन कनेक्ट होगा तो जो आपका डंप होगा यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएगा, आप उसको क्लिक करके ROM 1, ROM 2 और उसमें ESC/CST फाइलों को रीड कर सकते हैं। फिर जब आप उसको इरेज करेंगे तब आपको यहाँ पर राइट करना होगा, डंप राइट करना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ये वर्जन 2 में नहीं था, ये वर्जन 3 में अभी अपडेट आया हुआ है। और एक वर्जन 3 में एक और अपडेट आ चुका है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।
तो जैसे मेन आपका मोटिव है यहाँ पे, मेन मैं आपको यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको परफेक्ट नहीं पता चलेगा कि क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको यहाँ से इस टूल में आप रिप्रोग्रामिंग कभी ना करें, आपको उसके लिए यूएफआई या इजी जेटेक सबसे बेस्ट होगा। आप इन टूलों से केवल और केवल अनलॉकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको जब इसमें अनलॉक करना है, आपको फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट नहीं हो रहा तो एक बार आप उसको स्कैन कर लेंगे, आपका फ़ोन आईएसपी से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे कनेक्ट बटन आ जाएगा, उसकी एक आईडी आ जाएगी। अब उसके बाद आपको फॉर्मेट करना है, तो कोई सा भी फ़ोन होगा, वीवो है तो केवल वीवो पे आप ले लेंगे, और अगर कोई सा भी नॉर्मल फ़ोन है, ओप्पो वीवो एमआई कोई सा भी फ़ोन होगा, आपको यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है और सेव फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एक साथ यहाँ पे एफआरपी भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक्सक्यूट कर दीजिए। आप यहाँ पे जैसे ही कर देंगे फ़ोन आपका कनेक्ट होगा, तो आपका पहले सबसे पहले फ़ोन आपका फॉर्मेट होगा, उसके बाद रिसेट एफआरपी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप जो अभी वर्जन 3 में ऐड हुआ है वो फॉर्मेट टूल का ऐड हुआ है। मतलब जो पहले फॉर्मेट टूल था भी तो फ्रेंड्स उसमें एरर था, आप फाइलों को देते थे तो फाइल लोड नहीं होता था, वहाँ पे एरर होता था। तो मैं यहाँ पे आपके एक फाइल भी देके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमने जो कनेक्ट किया है उसका एरर है, बट यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। जो ये वर्जन 2 था तो यहाँ पे ये जब आप फाइल को देते थे स्कैटर फाइल या .mbn फाइल आप देते थे, यहाँ पे एरर आ जाता था। तो यहाँ पे कोई भी एरर इस वर्जन में नहीं है फ्रेंड, जो कि मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। हमने फॉर्मवेयर भी दिया है, अब आपको आईएसपी से कनेक्ट करना है और सीधे आपको राइट कर देना है। ये तब होता है फ्रेंड जब आपका डाटा माइनस और डाटा प्लस कनेक्ट नहीं होता है, वो आपका यहाँ पे आप कर सकते हैं आईएसपी के थ्रू। जो आपका डीएम और D-D+ कनेक्ट नहीं होता है फ्रेंड, तो आप नॉर्मल फायर और .mbn फाइल और स्केटर फाइल को आप यहाँ पे कनेक्ट करके राइट कर सकते हैं, जो कि ये वर्जन का मोस्ट था, जो कि न्यू अपडेट अभी आया है, पहले भी था बट वो एरर आ रहा था फ्रेंड। चलिए अब ये तीसरा जो चौथा इसका पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है। मतलब आपको इन इतने सारे मॉडलों के टेस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए आपको और कहीं गूगल में नहीं जाना है। जैसे कोई सा भी हमारा फ़ोन हुआ, Xiaomi 2, Realme 2, तो आप Realme 2 क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इसके सारे आपको आईएसपी पिनआउट्स मिल जाएंगे, जो कि टेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से आईएसपी पिनआउट मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मैं आपकी ये 2 दिन के बाद जैसे हमारे पास सेट आता है, मैं आपको 2 दिन के बाद इसको अनलॉक करके दिखाऊंगा, इसका विद प्रैक्टिकल अनलॉकिंग करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।